किसी चाइल्ड को अडोप्शन में लेना चाहता है तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए सबसे पहली बात तो वो पर्सन और वो मेजर होना चाहिए एडल्ट होना चाहिए अगर तो वो पर्सन मैरिड है तो उसको अपनी कंसेंट लेनी पड़ेगी वाइफ की वाइफ की कंसेंट जरूरी है इफ़ अडोपन इज मेड बाई फीमेल अगर तो एक फीमेल के द्वारा अडोप्शन की जा रही है किसी बच्चे की देन शी शुड ऑल्सो बी ऑफ साउंड माइंड एंड अडल्ट तो वो भी साउंड माइंड की होनी चाहिए और अडल्ट होनी चाहिए

या जो उसका हस्बैंड है उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट करवा लिया हो या लास्ट इसमें हमारी कंडीशन आती है कि जो उसका हस्बैंड है उसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया गया हो अनसाउंड माइंड का पर्सन क्योंकि अनसाउंड अगर डिक्लेयर कर दिया गया किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा तो उसकी कोई भी डिसीजन लेने की जो पावर्स होती है वो खत्म हो जाती है उस पर्सन की इसमें हमारा सेकेंड पॉइंट होगा कॉम्पिटेंसी टू की बड ऑप्शन की कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो एलिजिबल है जो कॉम्पिटेंट है

तो इसमें यह बताया गया है जो अगर कोई भी पर्सन जो है वो किसी बच्चे को अडोप्शन में दे रहा है वो या तो वो बच्चे का फादर हो सकता है या मदर हो सकती है या गार्जियन हो सकता है बच्चे का तो इन तीनों के अलावा और कोई भी अडोप्शन में नहीं दे सकता बच्चे को इफ द अडोप्शन इज गिवन बाय फादर देन द कंसेंट ऑफ द मदर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अगर तो फादर के द्वारा बच्चे को अडोप्शन में दिया जा रहा है किसी को अडोप्शन के लिए तो मदर की कंसेंट इसमें जरूरी रहेगी इफ द दिन इज गिवन बाय मदर अगर तो मदर के द्वारा डॉप्शन में बच्चे को दिया जा रहा है किसी को देन द फादर शुड हैव बीन डाइड तो जो तो फादर है या तो वो मर चुका हो बच्चे का फादर जो है और हैव रिनाउंस द वर्ल्ड तो या तो वो सन्यासी बन गया हो और हैड कन्वर्टेड हिज रिलीजन टू नॉन हिंदू या उसने अपना धर्म चेंज कर लिया हो और हैड डिक्लेयर्ड अनसाउंड या तो वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया हो बाय कंपनेंट कोर्ट तो ये इसमें सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए

दूसरी बात वो बच्चा पहले कभी अडोप्शन में ना दिया गया हो किसी और को मतलब सेकेंड नहीं अलाउड है, है बच्चे के बच्चे लिए ट्रेडिशन तो इसमें ये बताया गया है कि जो बच्चे के अडोप्शन हो रही है वो बच्चा मैरिड हो नहीं होना चाहिए बट अगर कस्टम अलाउ कर रहा है तो कर सकते हैं अडोप्शन हु इज नॉट दबअ द एज ऑफ फिफ्टीन ईयर और इसमें ये बताया गया अडोप्शन के टाइम पे जो बच्चे की एज है वो पंद्रह साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए अगर कस्टम अलाउ कर रहा है ऐसी अडोप्शन को तो वो वैलिड हो जाएगी नो अदर लिविंग सन और डॉटर एट द टाइम ऑफ द सेक्शन 11 में यह बताया गया कुछ कंडीशंस और भी बताई गई गए वैलिड अडोप्शन के लिए अकॉर्डिंग टू इट सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग वैलिड अडोप्शन रिक्वायर्स दैट एट द टाइम ऑफ द दिन तो जो वैलिड अडोप्शन तब मानी जाएगी अगर अडोप्शन के टाइम पे द पर्सन अडोप्टिंग शैल नॉट हैविंग अ लिविंग हिंदू सन ग्रैंड सन और ग्रैंड सन सन अगर तो कोई फैमिली किसी बच्चे को जो बेबी बॉय है उसको अडॉप्ट करना चाहती है तो उस फैमिली में हिंदू सन या ग्रैंड grandson, सन या ग्रैंड सन का सन नहीं होना चाहिए लिविंग दिस मीन्स दैट इफ एनी पर्सन हैज लिविंग सन ग्रैंड सन और ग्रैंड सन सन वेदर ब्लड रिलेशन और अडॉप्टेड सच पर्सन कुड नॉट अडॉप्ट एनी वन एल्स तो इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी फैमिली में कोई लिविंग सन है या ग्रैंड सन है या ग्रैंड सन का सन है चाहे वो ब्लड रिलेशन से है चाहे वो अडोप्टिड है तो वो उस केस में किसी और बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता सिमिलरली इफ़ एनी डॉटर हैड टू be adopted, देन at द टाइम ऑफ द adoption, द पर्सन adopting शुड नॉट हैव एनी हिंदू डॉटर और granddaughter. तो अगर हम डॉटर की बात करते हैं तो उस फैमिली में ऑलरेडी कोई डॉटर या ग्रैंडडॉटर नहीं होनी चाहिए लिविंग तो वो अडोप्शन अडॉप्शन के लिए एलिजिबल मानी जाएगी वो फैमिली बच्चे के लिए

क्लॉज थ्री एंड फोर देर एज डिफरेंस शुड भी एटलीस्ट ट्वेंटी वन ईयर्स तो इसमें बताया गया है चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है अगर तो वो डिफरेंट रिली मतलब डिफरेंट जेंडर के पर्सन को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनकी एज में ट्वेंटी वन ईयर्स का डिफरेंस होना जरूरी है अगर तो कोई मेल किसी मेल बच्चे को ही अडॉप्ट कर रहा है तो उसमें डिफरेंस वगैरह जो एज डिफरेंस है ट्वेंटी वन ईयर्स इसकी जरूरत नहीं पड़ती जैसे अगर कोई फीमेल है किसी फीमेल को ही अडॉप्ट कर रही है

ये बात सेक्शन 16 में बताई गई है अडोप्शन डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करने के बारे में चाहे ये रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होती बट इफ सच रजिस्ट्रेशन इज मेड बट अगर ये रजिस्ट्रेशन होगी अगर की जाएगी देन इट इनकरेज प्रशन टू अडोप्शन तो ये बच्चों को जो मतलब अडोप्शन वगैरह लेने की जो धारणा बनती है उसको उसको उत्साहित करेगी कि और भी लोग बच्चों को अडोप्शन में लेना चाहेंगे इससे ओके गाइज थैंक यू